बहराइच से इस वक्त की खास खबर। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाकर अधिकारियों ने किया स्वागत। सावन के दूसरे सोमवार को भी शिव मंदिरों में बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिल रही है। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए शिव भक्त भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए हुजूम की तरह उमड़ रहे हैं। जनपद बहराइच के पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर, बुढ़वा बाबा मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सरयू नदी से जल भरकर कांवड़िए डीजे की धुन पर नाचते गाते शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। लाल वस्त्र पहनकर जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों के ऊपर जगह जगह फूल बरसाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ देखरेख में तैनात अधिकारियों के द्वारा इन शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। बम बम बोले के जयकारों के साथ हजारों की संख्या में कांवड़िए भोले बाबा को जल चढ़ाने एवं सर्वहित कल्याण की मनोकामना लेकर कड़कती धूप में शिव मंदिर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब्दुल कादिर की बहराइच ब्यूरो से एक खास रिपोर्ट। जहां भूत भवन आशुतोष भगवान सिद्धनाथ भगवान कैलाश छोड़ करके मृत लोक में आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, ये पवित्र सावन का महीना चल रहा है। जहाँ भगवान कैलाश छोड़ करके आकाशे तारलिंगम पाताले हटकेश्वर मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते, जहाँ लोग वहाँ से अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भूत भवनाशतोष कैलाश छोड़ करके मृतलोक में आते हैं। और ये ऐसा मानना है जो भगवान सिद्धनाथ को बेलपत्र, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, जल, गंगा जल जो भी अर्पित करता है, महादेव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। संशय न विनश्यति, इसमें संशय है ही नहीं। ऐसे भगवान भूत भवन आशुतोष, भगवान राजराजेश्वर, भगवान सिद्धनाथ, जो द्वापर कालीन पीठ है, जो 5000 वर्ष पुराना पीठ है, जहाँ पर दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज विराजमान है, जहाँ माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ पार्वती विराजमान है, जहाँ भगवान विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणपति जी विराजमान है, जहाँ हमारे मुरुगन स्वामी जिनको कात्यायन स्वामी कहते हैं, नमस्कारंताय सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र पादार्थ सूर बाहुए सहस्त्र नामनाय प्रसाय सहस्ते सहस्त्र कोटि उद्धार नमः, जो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, ऐसे भगवान कार्तिक विराजमान है। जो भगवान के द्वार पर भगवान नंदीश्वर विराजमान है,